आप देख रहे हैं द एटीआई न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं डोभी रेलवे स्टेशन पे, जहां समाज सेवी अजीत सिंह ने एक पहल छेड़ी है कि यहां सुहलदेव का ठहराव नहीं हो रहा है। और आइए, यहां पर इस समय हमारे साथ समाज सेवी अजीत सिंह जी मौजूद हैं और उनके साथ कुछ अन्य यहां के ऑटो चालक और दुकानदार भाई लोग हैं। उनको समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही है, यहाँ सुहलदेव का ठहराव पिछले कुछ दिनों से लगातार रोक दिया गया है, बताइए क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं? देखिए, समस्या ये है कि 22419 जो ट्रेन सुहेलदेव एक्सप्रेस जो गाजीपुर बाया लखनऊ होते हुए आनंद विहार दिल्ली के लिए जो जाती थी ट्रेन, उस ट्रेन का ठहराव कल जो है रोक दिया गया। एकाएक यहाँ पे कुछ यात्री आए थे, लगभग 60-65 यात्री थे, उनका आज यहाँ पे से जो है रिजर्वेशन था, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। अब जिनके पास साधन था वो जाके जफराबाद और जौनपुर तो चले गए, लेकिन जिन लोगों के पास साधन नहीं था वो लोग जो है अपने वापस घर गए। तो एकाएक इस ट्रेन का ठहराव जो है रोक दिया गया, जबकि डोभी क्षेत्र जो है शहीदों का क्षेत्र है। इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों को लोहे चना चबवा दिया। इस क्षेत्र के जो पूर्वज हमारे थे, ये शहीदों का क्षेत्र है। बताइए, जलियांवाला बाग के बाद अगर कहीं भी अगर फांसी हुआ था 23 लोगों का, तो इस क्षेत्र के लोगों का। इन्होंने अपने अंग्रेजों को चने चबवा दिया और फांसी के फंदे को चूम लिया। आज उनके बच्चों को यहां से दिल्ली जाने के लिए, आज उनके बच्चों को जो यहां से लखनऊ जाने के लिए, आज यहां पे संसाधन जैसी व्यवस्था नहीं है। यहां के जो छोटे मोटे जो रोजगार अपना ऑटो चालक थे, यहां पे जो चाय का धंधा बिजनेस करते, भाई ट्रेन आती है तो इन लोगों का चाय का दुकान, पानी का दुकान, इन लोगों का जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनका रोजी रोटी चलता था, वो भी समझ लो आप सीधे बोल रहे हैं कि भैया तो हमारा रोजी रोटी छिन गया। जो ऑटो चालक हैं, यहाँ यात्री आते थे उतरते थे, तो यहाँ से यात्री आने जाने की वजह से उनका ऑटो का भी चलता था, उनका भी रोजी रोटी चलता था, तो वो रोजी रोटी भी उनका छिन गया, लोग बोल रहे हैं। तो भाई ये जो समस्या है इस क्षेत्र का, और इस क्षेत्र में जो महिलाएं होती थी उनका परिवार, इस क्षेत्र में कौन सा बिजनेस है, इस क्षेत्र में ये बिजनेस, उनका बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के दिल्ली राजधानी तक जाता है, कमाता है, खाता है रोजी रोटी, माँ बाप यहाँ करते हैं। अगर आज उनके अपने परिवार से मिलना होता था, यहाँ के माँ, यहाँ की जो महिलाएं हैं ट्रेन में बैठती थी और उनके रिश्तेदार वहां स्टेशन पे रिसीव कर लेते थे। अब ये बताइए, अगर यहाँ ट्रेन नहीं चलेगा, लखनऊ किसी को जाना है, दिल्ली जाना है, तो वो अपने बच्चों से मिलने, अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ महिला सुरक्षित बैठती थी दिल्ली में, उनको अपना जो है आनंद विहार में उनके परिवार उनको रिसीव कर लेता था। अब यहाँ महिला कहाँ जाएगी, क्योंकि भैया संसाधन यहाँ नहीं है, यहाँ संसाधन जौनपुर के लिए इतना ज्यादा चलता नहीं है। बनारस आजमगढ़ मार्ग है यहाँ पे जो है, ये मार्ग भी जो है इंडिया नेपाल इंडो मार्ग है, ये जो मार्ग है हमारा डोभी स्टेशन के पास। अब यहाँ से महिलाएं जो है जाए मुगल सराय, या तो यहाँ से जाए बनारस, या तो जाए मड़ुआडी। अब बताइए, कौन सी महिला जो है इतना दूर जाएगी, कौन उनको छोड़ने के लिए जाएगा, तो समस्या बहुत पैदा हो गई है सुहेलदेव एक्सप्रेस के न रुकने से। ट्रेन यहाँ कब से नहीं रुक रही है, पिछले कितने दिन हुए जब यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है, ट्रेन जो है कल से यहाँ से इसका ठहराव बंद हो गया है। या जो है यहाँ के जो बाबू हैं जो यहाँ से, ये टिकट मास्टर जो यहाँ के मैनेजर हैं या जो यहाँ बैठे हैं, कौन है स्टेशन मास्टर है यहाँ पे, वो जो है स्वयं बताएं कि यहाँ से बंद हो गया है। कोरोना काल के लिए स्टार्ट था और ये कोरोना काल समाप्त हो गया, इसलिए बंद कर दिया गया। जबकि सूची पे आप देखेंगे 2018 से लिखा हुआ। सर, प्रथम आपने किसको ये सूचना दी, किसी को आपने बताया कि यहाँ ट्रेन का ठहराव बंद हो गया है? देखिए, सर्वप्रथम अगर जनता के प्रतिनिधि, हमने अपने जो है यहाँ के जो सांसद जी हैं माननीय श्री बीपी सरोज जी को हमने जो है कल सूचना दिया। कल सत्र चल रहा था संसद भवन में, लेकिन शाम को 8 बजे के आसपास मैंने उनको सूचना दिया कि सांसद महोदय जी, यहाँ पे जो डोभी स्टेशन है हमारा, यहाँ से सुहेलदेव एक्सप्रेस जो जाती है वो स्टेशन का स्टॉपेज बंद कर दिया गया, सारे लोग जो है नाराज हैं। जो है उन्होंने क्या आश्वासन दिया, जब आप उनसे फोन पे बात की है सांसद जी से, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, कुछ बताया कि ट्रेन का ठहराव होगा या नहीं होगा? माननीय सांसद जी ने कहा कि अगर वहाँ पे ठहराव अगर नहीं हुआ, मतलब नहीं स्टॉप कर दिया, वहाँ नहीं रुक रहा है ट्रेन, तो जो है इसके लिए मैं भारत सरकार के रेल मंत्री से जो है मैं बात करूंगा। जो है आज का टाइम दिया कि आज वो माननीय रेल मंत्री जी से बात करेंगे हमारे सांसद। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश यादव। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं डोभी के रहने वाले। किस प्रकार की समस्याएं लोगों को उत्पन्न हो रही हैं जब से ट्रेन यहाँ रुकना बंद हो गई है? रुकना बंद हो गई है तो ऑटो चालक से जो है वो उनको पब्लिक को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो आम जनता यहाँ की दिल्ली जाना चाहती है, लखनऊ जाना चाहती है, वो जो है जफराबाद जाने के लिए उनको ऑटो रिजर्व करना पड़ रहा है, जिससे कि उनको परेशानियाँ, उनका रिजर्वेशन टिकट जो है रद्द हो जा रहा है, लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये ठहराव सुहेलदेव का जरूरी है। आपका नाम? जी सर। आप यहीं डोभी के ही रहने वाले हैं, किस प्रकार की समस्याएं लोगों को उत्पन्न हो रही हैं, जैसा कि कल से अभी समाज सेवी अजीत सिंह ने बताया
कि कल से यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है। ऐसा कि हम लोग अभी चार दिन पहले माननीय सांसद जी को हम लोग 1100 लोगों से सिग्नेचर करा करके कि यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर बने, तो उसका अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन पता चला 2-4 दिन हुआ तब तक सोहेल देव की ऐसी ट्रेन थी कि जो दिल्ली तक जाती थी लखनऊ होते हुए, और वो भी बंद कर दिया गया। यहाँ पे यात्रियों को भी बहुत से दिक्कत होने लग गया है, और यहाँ पे ऑटो चालक दुकानदार जो है सब लोग यहाँ पे बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आवागमन रहेगा ही नहीं। अब तो एक वही ट्रेन थी जो यहाँ पे लंबे सवारी लेकर के जाती थी दिल्ली तक, बाकी सब लोकल जौनपुर तक के ट्रेनें चल रही है, और हम लोग रिजर्वेशन काउंटर मांग रहे हैं यहाँ पे, जो कि 1904 से बना हुआ है ये स्टेशन, जब अभी तक ये कोई नहीं सुनवाई हो रहा है, बाकी जो चल रहा है वो भी बंद कर दिया जा रहा है। तो भी ग्राम सभा के प्रधान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किस प्रकार की समस्याएं लोगों को हो रही है। आप यहाँ के प्रधान है, आपने किसी को शिकायत की कि सोहेलदेव यहाँ नहीं रुक रही है या उसका ठहराव नहीं हो रहा है? यात्रियों को किस प्रकार की समस्याओं का समाधान वो झेलना पड़ रहा है? श्रीवाल जी, यहाँ जो है डोभी स्टेशन ऐसी जगह है कि चार जिला के बॉर्डर को जोड़ती है, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, जौनपुर के लास्ट पे ही है, बनारस बगल में है। यहाँ यात्री काफी दूर दूर से आते हैं, उन्हें ये मालूम है यहाँ सोहेलदेव रुकती है, क्योंकि दिल्ली बराबर यात्रा करते हैं। अब कल से जो बंद हो गई है उनको आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। तो आपने किसी से इस चीज की शिकायत की कि नहीं यहाँ सोहेलदेव का ठहराव नहीं हो रहा है? आपने किसी को बताया? सर्वप्रथम आपने किसको बताया कि यहाँ सोहेलदेव नहीं रुक रही है? सर अभी कल तो जानकारी हमें हुई है, अभी ऐसा कुछ हमें किसी से बात मिली नहीं हुई। यहाँ हमारे साथ कुछ ऑटो वाले भाई भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस प्रकार की रोजी रोटी की समस्या उनको हो रही है, जब से ट्रेन का ठहराव यहाँ बंद है किस प्रकार से उनका रोजी रोटी चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। यहाँ जब ट्रेन का ठहराव बंद हो गया है जब से, किस प्रकार की समस्याओं को आपको वो करना पड़ रहा है? सर यहाँ पे जो ट्रेनें बंद हो गई है इससे हम लोगों को परेशानियाँ बहुत हो रही है, जो है कि हम लोग लोगों का जो परिवार जीविका चलाते हैं वो हमारा सहारा यही था कि हम लोग यहाँ से चलते थे और परिवार हम लोगों का चलता था, और हम लोगों को कोई सहारा नहीं है, और यहाँ ट्रेनें जो बंद कर दी जा रही है उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। और श्रीमान, हम यही चाहते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ चलती थी वो अगर यहाँ पे सब चलेंगी तो हम लोगों का जो है परवरिश हो जाएगा। आपने किसी को सूचना दिया था जब यहाँ ट्रेन बंद हुई तो? सर यहाँ पे हमने सूचना दिया था जो यहाँ के जो प्रेस वाले हैं और जितने यहाँ के जो बड़े मानी सम्मानित लोग हैं उन लोगों से हम लोगों बात किया, सब भाई बंधु आए हैं और यही सब हम लोगों ने किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने हमारे डोभी रेलवे स्टेशन है, यहाँ सोहेलदेव का ठहराव बंद हो चुका है, तो यहाँ को जो दुकान भाई लोग हैं, दुकान पे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं उनको हो रही है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? यादव है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कल से यहाँ पे सोहेलदेव का ठहराव बंद हो गया है, तो आप लोगों की आजीविका रोजी रोटी कैसे चल रही है? सोहेलदेव का ठहराव बंद होने से यहाँ पर दुकानदार परेशान है, उसी के सहारे सब लोग दुकानदारी करते थे, यात्रियों का आवागमन होता था सुबह शाम, सोहेलदेव नहीं आ रही है तो कोई यात्री यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यात्री नहीं आएगा तो दुकानदार के धंधा कहाँ से होगी, वही हम लोगों की रोजी रोटी थी, बंद हो गई, ठहराव बंद होने से सब लोग परेशान है जो है। और कितनी गाड़ियाँ लगभग यहाँ रुकती हैं? तो गाड़ियाँ हैं तो एक बांद्रा रुकती है, एक सोहेलदेव इलाहाबाद होके और आनंद बिहार जाती है वो रुकती है, ये चार दिन चलती थी, हफ्ते में जो इसको जो है ठहराव इसका निरस्त कर दिया गया जो है। और मतलब प्रतिदिन कितनी गाड़ियों का आवागमन यहाँ से होता है? प्रतिदिन सोहेलदेव ये चलती थी जो इसको निरस्त कर दिया गया जो है। कितने दिन से निरस्त? कल से निरस्त की गई है इसको।